नमस्कार दोस्तों, कुंडली भाग्य का आने वाला एपिसोड आप लोगों के लिए घना ही दिलचस्प देखने को मिलने वाला है। दोस्तों इस समय बात की जाए आखिरकार इस समय सौर्य की, तो सौर्य के बहकावे में शादी टूट चुकी थी, लेकिन अभी उन लोगों ने फिर से शादी करने का फैसला लिया है। लेकिन दोस्तों राजवीर की बात की जाए तो राजवीर ने बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया था, लेकिन पलकी के पेरेंट्स इस समय इस सब चीज़ों को कसूरवार जो मान रहे हैं, राजवीर को मान रहे हैं। और इन लोगों का कहना यह है कि हमने राजवीर के बहकावे में आके ना जाने क्या क्या उन लोगों को बोल दिया है, लेकिन वो लोग फिर से शादी के लिए तैयार हो गए हैं। हमारी इसी में ही भलवनसाई है कि हम इस शादी को एक्सेप्ट कर लेते हैं। दोस्तों आप लोगों को बता देना चाहता हूं कि कहानी एक नया ही ट्विस्ट ले चुकी है, जहां पर आप लोग देख पाएंगे कि किस तरीका से राजवीर ने जो मेहनत की थी उस पर ये पानी फेरने की कोशिश कर रहे हैं। वहीं बात की जाए तो पलकी पूर्ण रूप से साथ देती हुई नजर आने वाली है। पलकी साफ साफ बोलती हुई नजर आने वाली है कि राजवीर ने हमारे लिए फैसला लिया और हम राजवीर के लिए ही ऐसा सब कुछ कह रहे हैं, हमें शर्म आनी चाहिए। अपने पेरेंट्स से खुद इस चीज़ को बोलती हुई नजर आ रही है पलकी। और पलकी का वाकई में दोस्तों सोचना एकदम जायज़ भी है, एकदम बिल्कुल क्लियरली है। साथ ही दोस्तों आप लोगों को बता देना चाहता हूँ कि इस समय सभी लोग बोलते हुए नजर आएंगे पलकी के लिए कि पलकी तुम ऐसा क्यों बोल रही हो, राजवीर को इतना सपोर्ट क्यों कर रही हो। जिसके बाद में पलकी साफ साफ बोलती हुई नजर आने वाली है कि जिस लड़के ने हमें बिगर सोचे समझे इन लोगों से दुश्मनी ले ली और हमारे लिए स्टेप लिया, हम उसी के बारे में गलत क्यों बोल रहे हैं। साथ ही दोस्तों आप लोगों के सामने मैं हूँ रोहित नागर जी। हाँ, आने वाले एपिसोड के लिए आप मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि दोस्तों आने वाली कहानी और भी ज़्यादा दिलचस्प देखने को मिलेगी जब आप लोग देख पाएंगे कि किस तरीका से सौर्य को उस मुंह की खानी पड़ेगी, वो भी किसी और से नहीं बल्कि सीधा सीधा बात की जाए इस समय राजवीर से। साथ ही दोस्तों अभी के अभी वीडियो पर कमेंट करें अपना कि आपको मेरी वीडियो कैसी लग रही हैं और आपने इतना सपोर्ट किया, दिल से थैंक यू सो मच गाइज एंड लव यू ऑल ऑफ यू।